It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. आज आपका क्या है? Happy birthday. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे. तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप टाइटल से जान गए हो, मेरे बेटे का आज थर्ड बर्थडे है. मैंने अपने सक्सेसफुली 3 ईयर्स ऑफ मदरहुड कंप्लीट किए हैं और मैं कह सकती हूँ कि हर दिन मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा है अपने बच्चे से. और लास्ट ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं भी एक माँ हूँ, एक लेडी हूँ, तो मैंने भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन झेला था. बट उस फेज से बाहर निकलने के बाद अब मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि येस आई हैव डन समथिंग. एक बच्चे को रेस करना सबसे बड़ा टास्क होता है और मुझे लगता है कि भगवान ना हर लेडी को वो ताकत देता है, वो हौसला देता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तरीके से रेस कर पाए. तो येस, मैंने भी आज अपने 3 ईयर्स ऑफ मदरहुड कम्प्लीट किए हैं एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी. और अभी मेरा लिटिल मास्टर सो रहा है, आफ्टरनून का टाइम है, आज उसका बर्थडे है, तो उसके बर्थडे की थोड़ी सेलिब्रेशन तो बनती है. तो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मम्मी ने मंदिर में एक छोटा सा कीर्तन अरेंज किया है. तो बस अभी हम लोग कीर्तन में जाने वाले हैं. गोविंद अभी सो रहा है तो बस अभी मैं उसे भी उठाऊंगी और फिर ड्रेसअप होकर हम लोग जाने वाले हैं. एंड थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतने प्यारे प्यारे विशेज उसे दिए, अपना प्यार उसे दिया, इस छोटे मास्टर को अपना समझा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली विशेज एंड ब्लेसिंग्स फॉर हिम. एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या प्रेपरेशन हो रही हैं उसके बर्थडे की. तो अभी भाभी और मैं मिलके थोड़ा सा बलून से अपने लिविंग रूम को डेकोरेट कर रहे हैं. ये बलून्स मम्मी ने मॉर्निंग में ही फुला दिए थे और अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं तो इसीलिए हम थोड़ा सा डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, वरना तो दोनों बच्चे मिलके सारे बलून्स बर्स्ट कर चुके होते. थोड़े से LED बलून्स हैं, थोड़े से सिंपल नॉर्मल बलून्स हैं, तो बस थोड़ी बहुत डेकोरेशन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग भी रेडी होकर मंदिर जाएंगे जहाँ पे कीर्तन है. मम्मी ऑलरेडी कीर्तन में जा चुकी है बट अभी बच्चे सो रहे हैं हमारे, तो हम लोग थोड़ा सा लेट निकलेंगे. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. और ये देखिए हमारे छोटे छोटे नटखट बच्चे भी डांस कर रहे हैं भगवान के भजन पर. आज आपका क्या है? हैप्पी बर्थडे. आज गोविंद का हैप्पी बर्थडे है. तो अभी आपने हमें इंडियन आउटफिट में देखा था और अब आउटफिट एकदम चेंज हो चुका है. ये टॉप मैंने पहना है, ये एबरक्रोम्बी का टॉप है, मुझे अंशुल ने गिफ्ट किया था व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट. और ये टॉप मैंने आज तक सिर्फ 2 बार पहना है. एक बार मैंने गोविंद का जब फोटोशूट कराया था व्हेन ही वाज जस्ट 7 मंथ्स ओल्ड तब पहना था और आज इसके थर्ड बर्थडे पे मैंने ये टॉप पहना है. तो ये टॉप बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखिए इस पर पूरी कढ़ाई हो रखी है एंड थोड़ा सा ये इंडियन टच भी देता है. 2 महीने से USA लिया था. और ये रहा मेरा हैंडसम सा बर्थडे बॉय. बच्चे ना मंदिर में बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो दोनों बच्चे रोने लग गए थे. हम फटाफट इन्हें घर वापस लेकर आए और इन्हें अभी चेंज कर दिया है इन कपड़ों में. और अभी मैं छोटे वाले का भी व्यू आपको लुक आपको दिखाती हूँ. और अब हम लोग केक कटिंग सेरेमनी करने वाले हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी मैं कि गोविंद का कैसा केक बना है. और मम्मी पापा सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं गोविंद के बर्थडे के लिए. ये देखिए डेकोरेशन. इट्स योर बर्थडे. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to. Happy
गोविंद का बर्थडे केक उसके मामा मामी अपनी पसंद से बनवा कर लेकर आए हैं और बहुत ही यमी केक था, एगलेस केक है। तो बस अभी केक कटिंग सेरेमनी हमने की है और गोविंद सबसे ज़्यादा अपने बर्थडे में केक कटिंग के लिए ही एक्साइटेड था, तो अभी वो सबको केक खिला रहा है, हम उसे केक खिलाएंगे। और डेफिनेटली मैंने अंशुल को बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि लास्ट टाइम मैं उनके साथ थी, साथ में हम लोगों ने गोविंद का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब हम केक कटिंग कर रहे थे तब अंशुल अपनी मीटिंग में बिजी थे, तो उनको हम ऑनलाइन भी सेलिब्रेशन नहीं दिखा पाए जैसे कि हम अपने छोटे भाई को इन्वॉल्व कर रहे हैं सेलिब्रेशन में। मेरा छोटा भाई भी अभी हैदराबाद में है, वो जा चुका है वापस, तो उसको भी हमने ऑनलाइन ही दिखाया कि किस तरीके का केक बनवाया है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। और पापा को भी इवनिंग में किसी अर्जेंट काम की वजह से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, इसीलिए आप पापा को भी नहीं देख रहे हैं वीडियोज़ में। बट इस टाइम तक मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरे इन-लॉज आने वाले थे गोविंद के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। एक्चुअली मम्मी पापा आज सिंगापुर जा रहे थे, तो उनकी लखनऊ से जो फ्लाइट थी वो दिल्ली आने वाली थी जल्दी, और सिंगापुर की फ्लाइट थी रात की, तो उनका मन था कि 3-4 घंटे वो दिल्ली में रुकेंगे और हम सब साथ में मिल के डिनर इन्जॉय करेंगे। बट हुआ क्या कि उनकी फ्लाइट भी लखनऊ से डिले हो गई बाय 3 आवर्स, तो उनको भी हमने डायरेक्ट फिर एयरपोर्ट पे ही हम मिले। गोविंद को मैं लेकर गई थी, उसको आशीर्वाद दिलवाया अपने दादा दादी का, और मम्मी पापा भी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए डिनर के लिए। तो बस थोड़े से लोग ही हम लोग थे डिनर पे, अभी मैं आपको आगे क्लिप्स में दिखाऊंगी। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit too. यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल हजूरी लाल का ज्वेलरी डिस्प्ले हो रखा है, मैं भी आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाती हूँ। ये ज्वेलरी बहुत ही सुंदर थी, ये देखिए, ये टेंपल ज्वेलरी जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बट ऑफ कोर्स इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और बुखारा होटल है जहाँ आज हम डिनर करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने रेस्टोरेंट में एंट्री करा दी है, 1 आवर की वेटिंग है, दो इट्स मंडे बट यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, और वेट करते करते बोर हो रहे हैं, इसीलिए भाभी अभी मुझे दिलाने जा रही है हजूरी लाल की ज्वेलरी। भाभी चलो ज्वेलरी दिला दो, चलो चलो। एक आप मुझे दिलाओगे रिटर्न गिफ्ट में? गिफ्ट तो मेरे बेटे का है ना, तो बर्थडे तो मेरे बेटे का है ना, तो रिटर्न गिफ्ट भी तो होता है यार। चलो मजाक की और बातें होती हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल यहाँ पे देखने, क्योंकि 1 घंटे का वेट टाइम है, तो अब थोड़ा सा टाइम किल करेंगे, बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं। और मैंने थोड़ी सी यहाँ पे भाभी और भैया का प्रेगनेंसी शूट भी किया है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी भाभी प्रेगनेंट है क्या? यस, मेरी भाभी 2nd टाइम प्रेगनेंट है, भाभी का 8th मंथ चल रहा है अभी, तो मैंने जिम्मा लिया है इन लोगों का प्रेगनेंसी शूट करने का, क्योंकि ये लोग रेडी नहीं हो रहे हैं कराने के लिए, तो मैं किसी तरीके से कन्विंस करके एक आधी फोटो इन लोगों की निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये है होटल का स्विमिंग पूल एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ था, सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया हुआ था यहाँ पर, बट बच्चे स्विमिंग पूल देखते ही जिद करने लगे कि हमें भी जाना है स्विमिंग पूल में, इसीलिए हम दोनों को बहला के अंदर ले आए वापस। और मैं ट्राई कर रही थी कि इन दोनों की साथ में इस तरीके से बिठा के एक अच्छी सी फ़ोटो खींचूं, बट आई फेल्ड क्योंकि एक पोज कर रहा है तो दूसरा हट रहा है, तो बस इसी तरीके से टाइम हम किल कर रहे थे क्योंकि वेट आवर बहुत ज़्यादा था। और ये दोनों झगड़ा भी करना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे पूरे दिन की एक्टिविटीज़ से। एंड फाइनली हमारा 10:30 बजे नंबर आया होटल में, और हम लोग बस अभी डिनर मेन्यू देख रहे हैं और उसके बाद फिर ऑर्डर करके कुछ मंगाएंगे खाने के लिए। एम्बियंस तो बहुत सुंदर था रेस्टोरेंट का, बट वेट आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे थे, दो इट वॉज मंडे, बट वेट आवर्स सच्ची में बहुत ज़्यादा थे, बच्चे तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हमारे।
take a step and तो खाना वगैरह बस सर्व हो गया है और खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए. वहाँ पे मेरे इन-लॉज आए हुए हैं, उनसे मिलेंगे और फिर वापस घर जाएंगे. तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी. होप करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं. तो फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में. तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. टेक केयर, बाय बाय.